मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या भक्ति में विश्वास का होना आवश्यक है, या फिर ये कि विश्वास करो तो भक्ति का भाव स्वयं ही आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। तो इन दोनों बातों में कितना अंतर है? दोस्तों एक बार भगवान शिव समाधि में लीन थे और माता गौरी अपने पति परमेश्वर की पूजा अर्चना कर रही थी। माता पार्वती जब भगवान का अभिषेक कर रही थी तो अचानक से भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो माता आश्चर्य में पड़ गईं और सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है जो प्रभु अचानक से अंतर ध्यान हो गए। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भगवान अपना अभिषेक अधूरा छोड़कर अंतर ध्यान हुए हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कि प्रभु तो पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य को गोद में उठाए हुए हैं और वहीं पर एक संत कुएं में एक मोटी सी लोहे की जंजीर से अपने पैरों को बांध कर लटका हुआ है, जो कि काफी समय से लटका हुआ है, और वो भी प्रभु का भक्त है। तो माता पार्वती के मन में ये प्रश्न आया कि भगवान ने ये कैसा न्याय किया है। तभी प्रभु वहां वापस आ गए तो मैया ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर प्रभु से कहा कि हे स्वामी, ये कैसा न्याय है आपका? जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता था और उसने तो अपने आप को कुएं में भी लटका के रखा है, उसको आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? और जो व्यक्ति आपकी भक्ति कभी कभार ही करता था, उसे आपने दर्शन क्यों दे दिए? ये कैसा न्याय है प्रभु? तब भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, इस संत ने हमारी भक्ति जरूर करी है, लेकिन इसका विश्वास दृढ़ नहीं है। तभी तो इस व्यक्ति ने अपने पैरों को लोहे की मोटी सांकर से बांध रखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि इसे मुझसे ज्यादा इस लोहे की जंजीर पर विश्वास है। ये सोचता है कि जब ये जंजीर टूटेगी तो प्रभु मुझे अपनी गोद में ले लेंगे, तो जब ये जंजीर टूट जाएगी तभी मैं इसे दर्शन दूंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि आपने उसे गोद में उठा लिया? तो भगवान ने कहा कि ये सारा गांव इस संत से ही प्रभावित है, सभी उसको प्रणाम भी करते हैं, उस व्यक्ति का हृदय भी इसी संत से प्रभावित हुआ और उसने अपने मन में ये ठान लिया, और वो भी बड़े ही विश्वास से, कि प्रभु मुझे अपनी गोद में उठा लेंगे। तो वो अपने गले में रस्सी बांध के एक पेड़ की डाल पर लटकने के लिए जा रहा था। हे प्रिय, वो तो अपने गले में रस्सी बांध रहा था, अगर वो लटक जाता तो उसके तो प्राण निकल जाते, क्योंकि उसके अंदर एकदम दृढ़ विश्वास था तो मैं उसके प्राण कैसे निकलने देता, तो मैं उसे कैसे लटकने देता। उस संत ने तो अपने पैरों में मोटी सी जंजीर बांध रखी है, इसलिए उसका विश्वास देखकर ही मैं उसको दर्शन देने पहुंच गया। तो माता पार्वती समझ गईं। तो दोस्तों, भक्ति करना ही काफी नहीं होता है, यदि भक्ति सच्ची है तो उसमें दृढ़ विश्वास जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही तात्पर्य है कि भक्ति करना ही काफी नहीं होता है,
यदि भक्ति सच्ची है तो उसमें दृढ़ विश्वास जरूर होना चाहिए। या यूं कह सकते हैं कि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है तो भक्ति अपने आप ही सच्ची भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि प्रभु के दर्शन में वर्षों लगें। आपकी शरणागति और आपकी सच्ची श्रद्धा आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी। प्रश्न केवल यहाँ इतना है कि उन पर कितना विश्वास करते हैं। दोस्तों, भगवान तो सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। इस शरीर रूपी यंत्र पर चढ़े हुए सभी प्राणियों को वे अपनी माया से घुमाते रहते हैं। तो दोस्तों, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास तो समस्त है, ये सदैव याद रखें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कथा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।